वेलकम टू एमएस इन्फोटेक। आज मेरे पास एक डेल का लैपटॉप है जिसका मॉडल नंबर है डेल बोस्ट्रो 153558। इसमें हमारा चालू नहीं हो रहा है डेड कंडीशन है, तो चलिए मैं पावर लगाता हूँ और फिर चेक करेंगे इसमें हमारा क्या शो हो रहा है। तो चलिए यहाँ पे मेरा डीसी कनेक्ट है, मैंने यहाँ पे लगाया पावर, देख सकते डीसी मशीन में हमारा यहाँ पे शॉर्टिंग शो हो रहा है। जो हमारा वोल्टेज है वो पूरा डाउन हो चुका है और एम्पियर हमारा फुल हो चुका है। इसका मतलब होता है हमारा लैपटॉप में 19 वोल्ट है, जो मेन वोल्टेज रहते हैं वो शॉर्ट है। तो चलिए इसको देखेंगे किस तरह से रिपेयर होगा। ये देख सकते हैं मैंने मदरबोर्ड को निकाल लिया है अभी लैपटॉप से, अभी देखिए इसमें चेक करेंगे। सबसे पहले फिजिकल डैमेज तो नहीं है कि कहीं पे मेरे को देखने को मिल रहा है क्या फिजिकल डैमेज। सबसे पहले फिजिकल डैमेज चेक करेंगे, कहीं पे तो फिजिकल डैमेज नहीं है। तो चलिए मैं एक बार देख लेता हूँ फिजिकल डैमेज। यहाँ पे देख सकते हैं कैपेसिटर है, बीच से हमारा बर्न हो चुका है, यानी कि फूट गया हुआ है, ये हमारा ख़राब हो चुका है, इसी वजह से हमारा शॉर्टिंग प्रॉब्लम आ रहा है। तो चलिए मैं इसको रिमूव करूँगा, फिर चेक करेंगे हमारा शॉर्टिंग जा रहा है कि नहीं। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कैपेसिटर को निकाल दिया है और अभी मैं चेक कर रहा हूँ शॉर्टिंग हमारा मदरबोर्ड में क्या शो कर रहा है। ये देख सकते हैं मल्टीमीटर में हमारा शॉर्टिंग अभी भी दिखा रहा है। तो चलिए मैं फिर से एक बाजू वाले कैपेसिटर को निकालता हूँ, फिर चेक करेंगे हमारा शॉर्टिंग जा रही कि नहीं। इसको भी मैंने निकाल दिया और अभी चेक करते हैं मल्टीमीटर से हमारा क्या शो कर रहा है। अभी भी हमारा शॉर्टिंग शो कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं एक कैपेसिटर बर्न हो चुका था यहाँ पे, इसके वजह से हमारा शॉर्टिंग प्रॉब्लम आ गया था 19 वोल्ट का। तो ये हमारा जो बर्न था पहले से, इसमें जो मैंने फिजिकल में देखा चेक किया तो मेरे को यहाँ पे फिजिकल डैमेज मिला, कैपेसिटर बर्न था, तो मैंने इसको रिमूव किया, फिर भी हमारा शॉर्टिंग नहीं जा रहा था। मैंने 19 वोल्ट को सारे कैपेसिटर को मैंने निकाला, यहाँ पे भी देख सकते हैं जिधर जिधर लगा था सब मैंने निकाला, फिर भी हमारा नहीं शॉर्टिंग जा रहा था। यहाँ पे भी मैंने निकाला, नहीं जा रहा था। तो मैंने लास्ट टाइम जब मैंने यहाँ पे 3 और 5 वोल्ट सेक्शन हो सकता है, ये 3 और 5 वोल्ट सेक्शन है, तो यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा था, तो मैंने इसको रिमूव किया तो हमारा शॉर्टिंग अभी निकल गया है। तो चलिए मैं मल्टीमीटर में चेक कराता हूँ। देख सकते हैं हमारा मल्टीमीटर में 495 हमारा शो कर रहा है, पहले 004 शो कर रहा था मैंने, यानी कि शॉर्टिंग हमारा दिखा रहा था। अब देख सकते हैं मल्टीमीटर हमारा 495 दिखा रहा है, 0.495 दिखा रहा है, हमारा शॉर्टिंग निकल चुका है बिल्कुल। और मैं इसके पीछे जो चेक करा रहा हूँ, मैंने बहुत सारे कैपेसिटर निकाले यहाँ पर, फिर भी हमारा शॉर्टिंग नहीं जा रहे थे। जो देख सकते हैं यहाँ पे फूटा हुआ कैपेसिटर था, इसको भी निकालने के बाद में हमारा शॉर्टिंग नहीं जा रहा था। अभी देख सकते हैं 496 दिखा रहा है, इसका भी हमारा 497 दिखा रहा है, बिल्कुल हमारा शॉर्टिंग रिमूव हो चुका है। और मैं अभी इसके जगह पे दूसरा रिप्लेस करके मैं अभी लैपटॉप को चालू करने वाला हूँ। तो चलिए मैं रिप्लेस कर देता हूँ इसके जगह पे दूसरा कैपेसिटर लगा रहा हूँ। देख सकते हैं मैंने कैपेसिटर लगा दिया है, अभी वैल्यू चेक कर लेते हैं। देख सकते हैं मैंने कैपेसिटर रिप्लेस कर दिया है, अभी मल्टीमीटर में देख सकते हैं वैल्यू क्या दिखा रहा है हमारा, 0.470 71 72 अभी ये शो कर रहा है, यानी कि हमारा ये ओके कैपेसिटर है। तो चलिए अभी मैं इसको पावर लगाता हूँ, फिर अभी डीसी मशीन में चेक करते हैं हमारा क्या हमारा लोड ले रहा है। तो चलिए मल्टीमीटर को रखते हैं बाजू में और अभी डीसी मशीन को
पावर से कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे लगाया पावर, देख सकते हैं डीसी मशीन में मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया है। और हमारा जो लोड है 0.026, यानी कि हमारा शॉर्टिंग बिल्कुल रिमूव हो चुका है। देख सकते हैं फाइनली मैंने लैपटॉप को रिपेयर कर दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एडाप्टर कनेक्ट किया है और हमारा डिस्प्ले वगैरह प्रॉपर आ गया हुआ है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही लैपटॉप से रिलेटेड रिपेयरिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।